हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हमारी एनसीईआरटी साइंस की जो सीरीज चल रही है उसी क्रम में हम एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। ये वीडियो में सारे चैप्टर्स क्रम से चल रहे हैं, तो उसी क्रम में एक और वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें हम क्लास 8th का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, इसमें हमें डिस्कस करना है जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो नेचर से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, रॉ मटेरियल से नहीं बनाए जाते हैं। ये जो है इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। और फिर हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे, प्लास्टिक के गुणों के बारे में जानेंगे, प्लास्टिक क्या काम करती है हमारे लिए, ड्यूरेबल होती है और जल्दी खराब नहीं होती, तो ये सब गुणों के बारे में हम जानेंगे प्लास्टिक के। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों के कुछ गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर स्पेसिफिक रहेगा, जो कंटेंट हमारा पूरा रहेगा वो चैप्टर स्पेसिफिक रहेगा। जो जो इसमें दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पर्टिकुलर, वही हमारा जो कंटेंट रहेगा मेन। क्योंकि पूरा पूरी पूरी फुल समरी मैं देता हूँ आपको, एक एक चीज डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, पूरी कोई चीज छोड़ते नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेड कोर्सेज चल रहे हैं। और ये आपकी घर बैठे मदद कर सकते हैं कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इनसे रिलेटेड जो होता है, इसमें आपको प्री और मेंस दोनों का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और काफी आपकी हेल्प करेगा ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और यदि आप इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहते हैं तो इन नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो ये 85 वाला नंबर है, इस पर आप फोन कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और यू विल गेट रिप्लाई विद इन फ्यू मिनट्स। और ये जो 78 वाला नंबर है, इसमें आप जो है फोन आपका टेलीग्राम के थ्रू टेक्स्ट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक टेलीग्राम जो है हमारा, टेलीग्राम जो है उसमें एक ग्रुप चल रहा है, फ्री ग्रुप है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिल जाएंगे। तो क्योंकि YouTube कभी कभी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं देता, तो वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिल जाएंगे। जो भी वीडियो अपलोड होगी और जो वीडियो आपके मतलब की है, जो आपको देखनी है, वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। तो टेलीग्राम को इंस्टॉल करिए अपने फोन में और ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी इनमें से पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं संश्लिष्ट तंतु होते क्या हैं, जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं। देखिए, एक क्लास 6 में भी हमने एक चैप्टर था, तो उसमें हमने संश्लिष्ट तंतुओं के और जो नेचुरल तंतु जो होते हैं, जो प्राकृतिक तंतु होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। और कैसे तंतुओं से फाइबर बनाते हैं, कैसे जो सॉरी कैसे फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, तंतुओं से कपड़ा बनाते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने विशेष रूप से डिस्कस किया था। उसमें क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कपड़ा है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है तंतु। अभी तंतु से बनता है धागा और फिर धागे से पूरा बनता है कपड़ा, तो ये हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था। तो देखिए हुआ क्या था कि नेचुरल अकरिंग फाइबर जो है, जो नेचर प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, उनकी संख्या एक लिमिटेड है। अब मान लीजिए कॉटन है, जूट है, ये सब नेचुरल अकरिंग फाइबर है। तो अभी एक बड़ी पॉपुलेशन को हम लोगों को सर्व करना है, बड़ी पॉपुलेशन, क्योंकि दुनिया में 7 से 8 बिलियन की आबादी है, बिलियन की आबादी है, 7 से 8 अरब लोग हैं। उनको कपड़ा चाहिए, तरह तरह के कारपेट चाहिए, हर चीज में इनका इस्तेमाल होता है फाइबर्स का। तो एक नीड है कि भैया संश्लिष्ट तंतु भी होने चाहिए, तो सिंथेटिक फाइबर को भी प्रोड्यूस किया जाने लगा। और आजकल बड़ी संख्या में सिंथेटिक फाइबर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर जो संश्लिष्ट तंतु हैं उन्हीं से इस्तेमाल हो रहा है कपड़ों, कपड़ा बनाने के लिए, मच्छरदानियां बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, ये सब चीजों के लिए जो है संश्लिष्ट तंतु का ही इस्तेमाल हो रहा है। कि हम पूरा घिरे हुए हैं आजकल सिंथेटिक फाइबर से। तो देख लीजिए सिंथेटिक फाइबर का वो क्या होता है, मतलब ये एक तरीके के पॉलीमर होते हैं।
अच्छा पॉलीमर और मोनोमर का अंतर यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पॉलीमर बोलते हैं को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, और मोनोमर को हिंदी में बोलते हैं एकलक। तो बहुलक और एकलक क्या होते हैं? देखिए, कोई चीज अगर किसी चीज को हम बोलेंगे ये पॉलीमर है बहुलक है, तो मतलब वो कई कई छोटी चीजों से मिलकर बनी है। जो बहुलक है वो कई कई छोटी चीजों से मिलकर बना होता है, उसकी यूनिट होती है, उसको एकलक बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे आपका कोई पूरी बड़ी दीवार है और वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है, तो इसको बोलेंगे ईंटों की बहुलक, और जो छोटी ईंट को बोलेंगे एकलक। तो वैसे ही हमारे फाइबर भी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए कोई जैसे आपका सिंगल यूनिट से है, उससे कोई बड़ी यूनिट, कोई मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं। अभी ये कोई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं हजारों लाखों की संख्या में, और एक बड़ा आपका बहुलक बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको पॉलीमर बोलेंगे। तो जो फाइबर होते हैं जनरली पॉलीमर ही होते हैं। ठीक है, वो कई छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अभी देखिए, जो पॉलीमर होते हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होते हैं, प्रकृति से भी पॉलीमर्स को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, जो हमें एक कपड़ा, जो कपास होती है, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो सेल्यूलोज होता है। उसकी अगर फॉर्म देखी जाए, बेसिक फॉर्म देखी जाए, तो वो सेल्यूलोज होता है। अभी सेल्यूलोज जो है एक तरीके का, जैसे कपड़ा हो गया और कागज, जो आप लिखने के लिए इस समय कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसका सूत्र बताइए क्या, वो भी जो है सेल्यूलोज है एक प्रकार का। वो जो पॉलीमर है उसको सेल्यूलोज बोलते हैं। जो कागज पूछे कि भैया कागज क्या होता है, तो आप जनरली आंसर दे दीजिए कि जो है पेपर इज अ सेल्यूलोज। तो अभी जो सेल्यूलोज है वो भी एक प्रकार का पॉलीमर है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट, ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट जुड़ती हैं और वो सेल्यूलोज बना लेती हैं मिलकर के। अभी ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, देखिए ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6। अभी ये आपस में इनकी छोटी छोटी इकाइयां जुड़ेंगी हजारों लाखों की संख्या में, और ये सेल्यूलोज का निर्माण कर देंगी। ठीक है, तो C6H12O6 जो है आपस में जुड़ेंगे और इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसमें से C6H12O6N, और इसमें से जलकाणु निकल जाएगा, जलकाणु निकल जाएगा, और फिर जो है पूरा आपका जो है सेल्यूलोज बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या, इसको जो है सेल्यूलोज जो है पॉलीमर है एक प्रकार से ग्लूकोज का। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो रेयॉन एक होता है, एक प्रकार का पॉलीमर होता है रेयॉन, वो होता है कृत्रिम रेशम, वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है। ठीक है, वो आर्टिफिशियली अकरिंग होता है, उसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। और जो हमारा सेल्यूलोज है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और कॉटन एक प्रकार का सेल्यूलोज ही है। जो कपास है वो एक प्रकार का सेल्यूलोज ही है, और सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज की छोटी छोटे जो अणु मिलते हैं और वो सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में कथन में आ सकता है कि सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, या भी आ सकता है ग्लूकोज इज ए मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज, ग्लूकोज सेल्यूलोज का एकलक है, या सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है। दोनों बात एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो ग्लूकोज की जो जो सेल्यूलोज की इकाई होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नायलॉन की। तो नायलॉन जो है 1931 में पहली बार प्रोड्यूस किया गया था, और जो मैन मेड है, ये फाइबर मैन मेड है और ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था। इसमें किसी भी प्रकार के रॉ मटेरियल, पौधों का या जानवर से प्राप्त रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पूर्णतः ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था। इसके लिए कोयला, पानी और हवा, जो कोल, वाटर और एयर का इस्तेमाल किया गया था इसको प्रोड्यूस करने के लिए, और ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था। और ये मजबूत होता है, लचकदार होता है, और इसमें जो है चमक काफी होती है। तो फिर इसका प्रयोग किया जाने लगा तरह तरह की चीजें बनाने के लिए, मच्छरदानी बनाने में, टूथब्रश, ब्रश, कार की सीट, तो ये पैराशूट, ये सब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा, और ये काफी लोकप्रिय हो गया। और आज भी आप देखेंगे नायलॉन की तरह तरह की चीजें आपको मिलेंगी नायलॉन की। तो ये जो है नायलॉन का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, और नायलॉन 1931 में पहली बार बनाया गया था। और अभी देख लीजिए पूरा इसने जो है कितना ज्यादा इसकी चीजें बन बन के आने लगी हैं पूरे में।
फैल चुका है ये नायलॉन। आप देखेंगे तरह तरह के सामान आपके डेली लाइफ में, देख लीजिए अपने घर में देखिए क्या क्या चीजें नायलॉन की बनी हुई हैं। तो नायलॉन जो है ये आ सकता है आपका कि 1931 में सबसे पहला जो है ये डिस्कवर किया गया था, पहली बार जो है, सबसे पहली बार 1931 में इसको जो है बनाया गया था, और ये जो है पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलीएस्टर और एक्रेलिक की। तो ये जो जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल को आप बिल्कुल ही रटते रहिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन पता है क्या आएगा एग्जामिनेशन में, कि आपको 6-7 4-5 दे दिए होंगे, उनमें से आपको छाटने होंगे कि इसमें से नेचुरल छाटिए और सिंथेटिक छाटिए। तो जितने नेचुरल और सिंथेटिक हैं उनको एग्जाम्पल को आप एक जगह बिल्कुल नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि भैया नायलॉन एक देख लीजिए एक प्रकार का क्या बोलते हैं संश्लिष्ट सिंथेटिक आर्टिफिशियल है, और रेयॉन भी देखा था हमने एक प्रकार की आर्टिफिशियल सिल्क है। तो ये आ सकते हैं, फिर इसमें आपको छांटने पड़ेंगे। तो जो छांटना की प्रक्रिया होती है तो उसी से क्वेश्चन बनता है, तो छांटने से। और अभी हम उसी क्रम में देखते हैं पॉलिएस्टर एक्रेलिक किस प्रकार के होते हैं। तो पॉलिएस्टर जो होता है एक अन्य प्रकार का फाइबर है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। इसमें क्या देख लीजिए, आप इसके नाम से देख लीजिए, एस्टर एक प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये आगे लिखा है पॉली, तो एस्टर इसके मोनोमर होंगे, कई एस्टर जुड़ेंगे तो वो पॉली एस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मोनोमर क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं एक प्रकार के। एस्टर्स को हम आगे देखेंगे कि होते क्या है आगे के चैप्टर्स में। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो है इसमें रिंकल नहीं पड़ती, झुर्रियां नहीं पड़ती बिल्कुल भी, सपाट रहता है, आसानी से धुल जाता है, और पॉलिएस्टर के कपड़े आते हैं, टी शर्ट आती है, काफी अच्छा इनको कपड़ा माना जाता है। और टेरिलिन, ये बिल्कुल रट लीजिए, टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर, टेरिलिन जो है पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इसको बिल्कुल बात को एक आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि सवाल इन्हीं से बनते हैं। सवाल किससे बनते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं, मैं पहले भी इनको बता चुका हूँ आपको, और एनसीईआरटी के ही जो है सवाल बनेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कई ज्यादा होते हैं, कहाँ तक आप रटेंगे। तो जो सबसे बढ़िया चीज है, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है उनको रट लीजिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा, मतलब एग्जाम में आपका जो आएगा क्वेश्चन वहां से सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी बात करते हैं पीईटी की, पॉली एथिलीन टेरीफ्लेट। ये क्या है कि एक प्रकार का जो है पॉलीएस्टर ही है। अभी देख लीजिए टेरिलीन भी एक प्रकार का पॉलीएस्टर है, और ये देख लेते हैं पीईटी पॉली एथिलीन टेरीफ्लेट, तो ये भी एक प्रकार का पॉलीएस्टर है। इसका उपयोग जो फ्रिज की बोतलें होती हैं, बर्तन होते हैं, तार होती हैं, तो ये सब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। काफी फेमस ये हमारा जो पॉलिएस्टर है, ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही है। तो पॉलिएस्टर आपने देख लिया क्या होता है, और ये दो प्रकार के पॉलिएस्टर भी देख लिए, टेरेलीन और पीईटी पॉलीएथिलीन टेरीफ्लेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक देख लीजिए इनके संग जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, एक ड्रॉबैक है, इनकी एक कमी है, ये जो है पिघल जाते हैं, इनको हीट करते हैं, तो ये इनका जो है डिसएडवांटेज भी है सिंथेटिक फाइबर का, कि इनके जो कपड़े होते हैं फायर बहुत जल्दी कैच करते हैं। तभी आप देखेंगे जो नायलॉन है, नायलॉन कितनी जल्दी जलता है, तभी कहा जाता है कि रसोई में नायलॉन के कपड़े पहन के मत जाओ भैया। नायलॉन के कपड़े पहन के जाओगे तो बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि आप दूर भी रहेंगे आग से, तो वो जैसे आप गैस में कोई खाना बना रहा है नायलॉन के कपड़े पहन के गया, तो आप दूर से ही आग पकड़ सकता है वो। तो यही चीज होती है कि मना किया जाता है कि नायलॉन के कपड़े मत पहन के जाओ, जनरल सूती कपड़े पहन के जाओ जो नॉर्मल कपास के होते हैं। तो ये इसकी समस्या है, इसका ड्रॉबैक है, इनके बारे में हमें यहाँ पे जो है बताया गया है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो किचन में है और लेबोरेटरी में है, इनके सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये एक देख लीजिए, एक और एग्जांपल यहाँ पे है आर्टिफिशियल बूल जो होती है, जो आर्टिफिशियल ऊन जो होती है। देखिए ऊन जो भेड़ वाली होती है वो तो बहुत लिमिटेड संख्या में है जो भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है, तो ज्यादातर ऊनी कपड़े जो हैं वो आपके जो सिंथेटिक ऊन से बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। तो सिंथेटिक ऊन जो है वो आर्टिफिशियल जो होती है उसको बोलते हैं एक्रीलिक फाइबर, वो एक्रीलिक फाइबर की बनी हुई होती है। एक्रीलिक फाइबर रट लीजिए, आर्टिफिशियल बूल इज ए काइंड ऑफ एक्रीलिक फाइबर।
अब बात करते हैं पॉलीथीन की। पॉलीथीन एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एक सिंथेटिक फाइबर का। तो आप ये देखेंगे कि इसका उपयोग आमतौर पर पॉलीथीन जो बैग होते हैं वो बनाने के लिए किया जाता है। जो पॉलीथीन बैग आप जनरल लाइफ में देखते हैं अपनी, वो सब एक्चुअली पॉलीथीन ही होता है। तो पॉलीथीन आप बोलते हैं किसी को, जो पॉलीथीन बिल्कुल साइंटिफिक नाम ले रहे हैं आप, किसी चीज को बोलते हैं कि पॉलीथीन दे दीजिए, वो उसका साइंटिफिक ही नाम है। तो इसमें होता क्या है, जो एथिलीन होती है, एथिलीन के अणु आपस में जुड़ते हैं और पॉलीथीन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कैसे वो होता है, ये देख लीजिए C2H4, ये एथिलीन है और इसके एन अणु जो है आपस में जो है जुड़ते हैं, और फिर ये एथिलीन को वो एथीन भी बोलते हैं, जन एथीन भी बोलते हैं और एथिलीन भी बोलते हैं। तो अभी पॉली लगा देंगे तो मतलब कई अणु जुड़ रहे हैं, मतलब एथिलीन के कई अणु जुड़ रहे हैं क्योंकि पॉली लगा हुआ है। अभी देख लीजिए इस प्रकार से बन जाएगा C2H4 का होल एन, तो ये बोलते हैं पॉली थीन इसको बोलते हैं। तो अभी आप देखेंगे इस पे वो भी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने इस पे बैन भी लगा रखा है कि बहुत पतली जो पॉलीथीन होती है, पतली जिनका क्या बोलते हैं थिकनेस बहुत कम होती है, वो जनरली जो है क्या होता है डिसोसिएट नहीं होती, वो एनवायरनमेंट में लाखों करोड़ों साल तक पड़ी रहेंगी लेकिन उस पर बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी, वो डिसोसिएट नहीं होंगी। तो इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाती है एनवायरनमेंट के लिए। तो इस पे जो है गवर्नमेंट ने कई स्टेट में बैन भी लगा रखा है और इसका जो उपयोग सही नहीं है क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल पे इसका उपयोग होता है, इसको रिसाइकिल करना मुश्किल मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल ये एनवायरनमेंट में ऐसे पड़ी रहेंगी। तो जो 50 mm शायद एक वो रखा गया है इसका, तो 50 mm से जो कम थिकनेस की पॉलीथीन है उनको बैन कर दिया गया है कि उनका जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो रिसाइकिल करना उनको मुश्किल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टिक की। देख लीजिए प्लास्टिक मेनली दो प्रकार की होती है, वो एक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक वो होती है जो मेल्ट हो जाती है, उनको डिफॉर्म किया जा सकता है, एक बार आपने बनाई फिर उसको पिघला के उसको अलग फॉर्म में बना बना दीजिए। तो इस प्रकार की प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। जो पॉलीथीन है और जो पीवीसी है इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक की। आपने आप कभी पॉलीथीन बनाई होगी, देखेंगे बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, अभी उससे आप कोई भी आकार बना लीजिए नया, ठीक है, तो पॉलीथीन बिल्कुल लिक्विड भी बन जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर से जम जाएगी तो वो मेल्ट हो जाती है। तो जो पीवीसी होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म ध्यान रखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो ये जो है और पॉलीथीन है, तो ये इनका उपयोग किया जाता है टायर बनाने में और कंघे बनाने में और कई प्रकार की चीजें बनाने में और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। तो ये जो है प्लास्टिक, ये इनका क्या है डिफॉर्म हो जाती है हीटिंग करने पर, बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी दूसरी तरफ देखते हैं, अगर एक तरह की प्लास्टिक होती है उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये जो है इनको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, इनको आप गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट या बिल्कुल मेल्ट नहीं की जा सकती है हीटिंग करने पर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग, इन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। तो ये इनको नरम नहीं किया जा सकता है, और जबकि इन वाली प्लास्टिक को नरम किया जा सकता है गर्म करके। ठीक है, आप देखेंगे कोई भी प्लास्टिक की चीज होगी गर्म होगी और वो पिघल रही है या फिर नरम पड़ रही है तो वो है थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक सॉरी, और अगर कोई प्लास्टिक को गर्म कर रहे हैं उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है तो वो होगी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, वो नरम नहीं होती। इसके एग्जाम्पल भी आगे दिए हुए हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक के दो देख लीजिए, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर प्लास्टिक से संबंधित आएगा तो ये इन्हीं में से आता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर आ जाएगा, या तो कथन में या आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, तो उसमें तीन जो है थर्मोप्लास्टिक के दिए जाएंगे, एक थर्मोसेटिंग वाला दिया जाएगा, वही आपको चूज करना होगा। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लीजिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल है उनको हम देख लेते हैं, जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट और मेलामिन, ये एग्जाम्पल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। ठीक है, ये रेजिस्ट फायर को रेजिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये जो है जब गर्म पड़ते हैं तो ये किसी प्रकार से नरम नहीं पड़ते, तो वहां पे इनका उपयोग किया जाता है जहां पे आग से बचाव करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टिक की कुछ क्वालिटीज की।
जो प्लास्टिक की क्वालिटीज क्या होती हैं। देखिए, प्लास्टिक एक एक ब्रॉड लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे आप, हर जगह प्लास्टिक की चीजें बनी हुई होती हैं, तो वो क्यों बनाई, प्लास्टिक इतना क्यों उपयोग किया जाता है। देखिए, प्लास्टिक इसलिए उपयोग और किया जाता है, एक तो नॉन रिएक्टिव होता है, जनरली रिएक्ट नहीं करता है, किसी प्रकार के चीजों का इस पे असर नहीं होगा। जैसे लोहा देख लीजिए, वो रस्ट, उस पर रस्ट लग जाती है, जरा सा पानी पड़ा, जरा सी हवा उस पर मिली और वो रस्ट लग जाएगी, तो रस्ट लगेगी मतलब वो रिएक्शन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन। प्लास्टिक में जनरली ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। इस पे बाहरी वातावरण के एक्टिविटीज का या पानी का या किसी प्रकार के एसिड वेसिड का जल्दी जो है कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए ये अक्रियाशील है। तो इसको इसी वजह से बहुत इस्तेमाल में लाया जाता है प्लास्टिक्स को। और एक चीज, ये हल्का होता है, तो आप देखेंगे फाइबर्स जो क्या बोलते हैं प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है कुर्सियां बनाने में, हल्की कुर्सियां फाइबर की आपने देखी होंगी, चेयर, और कई प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल हल्का होता है। अब देख लीजिए, प्लास्टिक के पहले लोहे के ड्रम आते थे, अभी प्लास्टिक के ड्रम आने लगे हैं। दूध के डिब्बे आपने देखे होंगे, तो वो भारी होते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे कितने हल्के होते हैं, जो अभी तो दूध के कंटेनर भी यूज होने लगे हैं, तो इसी वजह से होने लगे हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं और मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है, क्योंकि इस पर बैक्टीरियल एक्टिविटी होती नहीं, कोई भी बैक्टीरिया इसको डिसोसिएट नहीं करेगा, और रस्टिंग नहीं होगी इस पर, जंग नहीं लगेगी, और कोई भी बाहरी इम्पैक्ट का असर नहीं होगा जल्दी, जो एनवायरनमेंट का कोई भी है, हवा पानी का जल्दी कोई प्रकार की जंग नहीं लगेगी इसमें। तो यही वजह है इसका उपयोग किया जाता है, हल्की मजबूत और टिकाऊ होती। और एक चीज और मेन, ये कुचालक होती है, मतलब लाइट को अपने पास नहीं होने देगी। अगर कहीं भी आप देख लीजिए, तारों में जो तार होते हैं उनकी कोटिंग कर दी जाती है प्लास्टिक से, तो वो इसी वजह से की जाती है कोटिंग, की अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर फ्लो ना करें और करंट से लोगों को बचाएं। तो यही वजह है, प्लास्टिक कुचालक होती है, तो इसका एक ब्रॉड लेवल पे तारों में उपयोग होता है, तो यही वजह है उपयोग होने का। तो ये तीन बिल्कुल गुण को रट लीजिए आप, तो कभी क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से प्लास्टिक के गुण बताइए, ये तीन वहां पे लिखे होंगे, एक नहीं होगा गुण कोई, वही आपको चूज करना पड़ेगा। तो एक चीज, ये नॉन रिएक्टिव होती है, हल्की मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग होती है, टिकाऊ होती है, और जो है पुअर कंडक्टर होती है, कुचालक होती है इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात करते हैं कुछ और प्रकार की प्लास्टिक की। एक प्रकार का प्लास्टिक होता है टेफ्लॉन, एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक होती है, इस पे तेल और पानी नहीं चिपकता है। आप देखेंगे नॉन स्टिक जो होते हैं बर्तन बनाए जाते हैं, वो टेफ्लॉन के ही होते हैं। इसको जो है कोटिंग के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, और इसमें जो है कुकवेयर में बहुत ब्रॉड लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, इस पर तेल वेल चिपकता नहीं है और इसको धोने में भी आसानी रहती है, तो ये वजह है। ये टेफ्लॉन ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता आ जाएगा कभी कि जो नॉन स्टिक जो कुकवेयर होते हैं उसमें किस प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग होता है, तो आप बिल्कुल ही तुरंत बता दीजिए टेफ्लॉन। ओके, बिल्कुल रट लीजिए इसको यहीं पे। और फायर प्रूफ प्लास्टिक होती है, देखिए जो सिंथेटिक फाइबर होती हैं वो जनरली, मैंने बताया भी कि इनका एक ड्रॉबैक है, ये फायर को कैच कर लेती हैं, लेकिन कुछ आपने देखा होगा जो मेलामिन एक प्रकार का हमने देखा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आपने देखा होगा उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो जनरली जो होता है आग नहीं पकड़ता और थर्मो प्लास्टिक पिघलते नरम पड़ते हैं, तो मेलामिन फाइबर का उपयोग जो है कि फायरमैन करते हैं उसको आग से बचने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। थर्म वैसे तो सारी प्लास्टिक को फाइबर जो है जनरली जो है आग को पकड़ लेते हैं और फायर जो है कैच कर लेते हैं, लेकिन एक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक होती है, उनमें हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, बेकेलाइट और मेलामिन, तो वो जो है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे आग का कोई असर नहीं होता, कोई इम्पेक्ट नहीं होता। ठीक है, वो पिघलते नहीं, नरम नहीं पड़ते, ये हम चीज अभी देख भी चुके हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, क्यों हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इन पे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कोई भी कूड़ा कचरा है उसको बैक्टीरिया, वो आपने फेंक दिया, बैक्टीरिया उसको डिसोसिएट कर देंगे, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देंगे, वो अणु मिट्टी में घुल जाएंगे, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएंगे, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक जो होता है उस पर कोई भी बैक्टीरियल एक्टिविटी काम नहीं करती, तो ये लाखों करोड़ों साल तक फैला रहेगा। आप कोई प्लास्टिक लीजिए और कोई लोहे की रॉड लीजिए, दोनों को गाड़ दीजिए और फिर देखिए 20 से 25 साल बाद लोहे की रॉड जो है बिल्कुल थोड़ी सी बचेगी, बिल्कुल डिसोसिएट हो जाएगी पूरी,
और प्लास्टिक ज्यों का त्यों निकल आएगा, ठीक है। और वो ऐसा नहीं 20-25 साल तक, सैकड़ों साल तक ही ऐसे ही जो है रहेगा बिना किसी चेंजेस के, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा नुकसान देता है। अभी देख लीजिए, जो जितनी प्लास्टिक है सब समुद्र में अल्टीमेटली डाल दी जाती है, और ये समुद्र के तल पे जमा हो जाती है जाके, जो समुद्री जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि समुद्री जंतु बिल्कुल नीचे तल में पहुंच जाएगी, किसी समुद्री जंतु कोई खा लेते हैं इसको, और मतलब किसी के मतलब कहीं ऑर्गन पे जाके चिपक जाती है। तो ये जो है प्रॉब्लम है उनको, समुद्री जंतुओं को, और ये बहुत बड़ी संख्या में समुद्र के तल में इस समय जमा होती जा रही है, हम लोग पता नहीं लगती। और दूसरी चीज ये, अभी केरला में आपने देखा होगा फ्लड आया था, उसके संग जो है कितनी वापस आपने देखा होगा कूड़ा कचरा वापस उस पे आ गया था, रोड्स पे आ गया था, क्योंकि वो फ्लड आया था। तो वापस जितना हमने कूड़ा कचरा उसमें फेंका था वहां की नदियों रिवर्स में, वो रिवर ने वापस जो है उस पे लाके डाल दिया था। तो ये देख है कि भैया कम कम इस्तेमाल करो प्लास्टिक का, और रिसाइकिल करने की कोशिश करो उनको, प्लास्टिक्स को। तरह तरह की टेक्नोलॉजी निर्मित की जा रही है समय समय जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का काम करें। तो यही चीज है। और ये वही चीज लिखी हुई है कि जो वेस्ट इसके थ्रू क्रिएट किया जाता है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, काफी बुरा इम्पैक्ट डालता है एनवायरनमेंट पे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ये प्लास्टिक जो होती है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि इन पे बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती, इनको डिसोसिएट नहीं किया जा सकता। अब शब्द से कि ये नॉन बायो डिग्रेडेबल, मतलब बायो क्या होता है, जैविक, मतलब कोई जैविक एक्टिविटी इसको डिग्रेड नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। और जैविक एक्टिविटी कौन करते हैं, ये बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, और ये सब छोटे छोटे जो तुम सूक्ष्म जंतु हो गए, ठीक है। आप कुछ सवालों को डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेयॉन फाइबर? तो रेयॉन फाइबर जो है वो लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, जो लकड़ी की लुगदी है उससे बनाया जाता है, ठीक है, सिंथेटिक है एक तरीके का, और लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है, ठीक है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये देख लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? अभी आप देखिए कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो है मेलामाइन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हमने बताया था वो था बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जब डिस्कस कर रहे थे तो एक चीज, एक और एग्जाम्पल बताया था बेकेलाइट। तो इन दो एग्जाम्पल को तो आप रट ही लीजिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। और ये फायर रेजिस्ट करते हैं फायर को, तो जहां पे आग से बचना होता है वहां पे इन प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्विच हो गए, और आपके और भी आपके फायरमैन हो गए, वो इन चीज का इस्तेमाल करते हैं आग वाग बुझाने जा होती है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक की एक सामान्य विशेषता नहीं है? इसको जो आप है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। हमने अभी काफी डिटेल में डिस्कस किया कि इसमें से कौन सा जो है प्लास्टिक का करेक्टरिस्टिक नहीं है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक फाइबर, अभी ये तीन तीन के सेट दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें सारे जो हैं सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं। अब पहला देख लीजिए, नायलॉन, टेरेलिन, ऊन, तो ये तो नहीं हो सकता, ऊन जो है हम लोगों को प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होती है, ठीक है। कॉटन, या तो पहले ही जो प्राकृतिक वाला हो गया तो इसको, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, तो यही हो जाएगा। देखिए ये पीवीसी भी एक प्रकार का जो है सिंथेटिक है, और पॉलीथीन भी सिंथेटिक है, बेकेलाइट भी सिंथेटिक है। तो और ये देख लीजिए चौथा एक्रिलिक सिल्क, और बोल ये भी नहीं होगा, तो ये थर्ड वाला इसका हो जाएगा उत्तर सही, सी, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, तो थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा सी। अब आ जाते हैं हम दूसरे चैप्टर पे जो आज हमें डिस्कस करना है, ये चैप्टर 4 है कक्षा 8 की बुक का, इसका नाम है मेटल्स और नॉन मेटल, धातुएं एवं अधातुएं। तो अभी धातु क्या होती हैं, धातु में आप देखेंगे धातु विशेष प्रकार के गुण होते हैं, ठोस होती हैं और उसमें चमक होती है और एक विशेष प्रकार की आवाज होती है उनमें, ठीक है। और अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं जनरली देख लीजिए मतलब एक प्रकार का
जो धातुओं में जो इस प्रकार के गुण नहीं होते, जो धातुओं में होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ये अधातुओं में ही आते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार के गुण होते हैं जो अधातुओं में नहीं होते हैं। अब हम कुछ गुण देखेंगे जो धातुओं में होते हैं। देखिए, धातुओं का गुण जिसके कारण पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है। शीट में परिवर्तित करने का मतलब क्या है कि आप धातु को पीटते जाइए, वो एक्सपेंड होती जाएगी। जितना पीटेंगे उनका वॉल्यूम बढ़ेगा और वो कम, थिकनेस कम होती जाएगी। तो आप देखेंगे उनका मतलब सरफेस, कहने का मतलब ये है कि आप धातु को जितना पीटेंगे वॉल्यूम तो सेम रहेगा, उनका जो है सरफेस बढ़ता जाएगा। सरफेस बढ़ता जाएगा मतलब उनका जो क्या बोलते हैं, पीटेंगे तो मतलब एक शीट शीट में वो आ जाएंगी, बिल्कुल शीट की तरह। आपने कभी सिल्वर फॉयल देखी होगी तो वो इसी प्रकार से बनाई जाती हैं। क्यों मेटल की बनाई जाती हैं? क्योंकि उनमें गुण होता है आघात वर्धनीयता, इसको मेलियाबिलिटी बोलते हैं या लचीलापन बोलते हैं। मतलब ये कितना पीटते हैं, ये पीटता ही है, पीटती जाएंगी। कितना भी पतली आपको किसी धातु को उसकी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, धातु की शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोना का भी देखिए, आपको पीट पीट कर विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। सोना जो होता है, आपने देखा होगा कभी सोने और चांदी के जनरली नोट भी आजकल उपयोग में लाए जा रहे हैं, गिफ्ट, एज ए गिफ्ट करने के लिए। तो वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, सोने की प्लेट बनाई जाती है। तो वो यही आपका जो पीट पीट कर उनको जो है बिल्कुल एक शीट में परिवर्तित किया जाता है। और सिल्वर फॉइल तो आपने एग्जाम्पल देख लिया कितना फेमस है, वो यही है आघात वर्धनीयता के कारण होता है। और उनको आप एक चीज और है कि खींच लीजिए कितना, एक तो यहाँ पे हमने हो गया पीट लीजिए, पीट के उनको शीट में कन्वर्ट कर दीजिए, और एक को है धातुओं को कितना लंबा भी खींच लीजिए। खींच के मतलब लंबा उसका तार बना दीजिए छोटा छोटा, तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। जिसे खींच कर तारों में परिवर्तित किया जाता है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है, तन्यता। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिए, एक गुण हो गया आघात वर्धनीयता या मेलियबिलिटी, और एक गुण हो गया तन्यता। एक हो गया आघात वर्धनीयता, एक हो गया तन्यता, मेलियबिलिटी और डक्टिलिटी। तो ये दो गुण एकदम याद रखिए, एक स्लाइड के आगे देखेंगे। और देखिए, हार्ड लस्ट्रस मेलेबियल होते हैं। इसमें क्या होता है, कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, हमने देखा आघात वर्धनीयता इनमें होती है, तन्य होते हैं मतलब डक्टाइल होते हैं, और ध्वनि करते हैं। आप कभी भी घर के बर्तनों को, आप लोहे के बर्तनों को या किसी भी चीज को देखिए, आप उसमें विशेष प्रकार की आवाज होती है टन टन करके, तो वो विशेष प्रकार की उनमें ध्वनि होती है। और एक चीज मेन बात, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसी प्रकार का इनके गुण के कारण इनको जो है तारों को इस्तेमाल, जो तार होते हैं विद्युत तार होते हैं उनके सप्लाई में, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। तो इसी वजह से इनको बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता है, जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। देखेंगे आप कॉपर के तार बनाए जाते हैं, और जो हमारे एल्युमिनियम के भी तार बनाए जाते हैं, कॉपर एल्युमिनियम, और इनको जनरेटर की कॉइल में भी लगाया जाता है। तो वो इसी वजह से लगाए जाते हैं, ठीक है, कि उसमें ये सब गुण होते हैं, सुचालक होते हैं, विद्युत ऊष्मा के होते हैं, और आघात वर्धनता इनमें होती है, ये सब गुणों के कारण। ये कुछ विशेष गुण होते हैं, ये अधातुओं में नहीं होते, केवल धातुओं में ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, कोई यहाँ पे जब मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, तो एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, मेटल ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। आप देख लीजिए कोई मेटल है, जैसे मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, और उसके मेटल और जो ऑक्साइड होते हैं, जो ऑक्साइड ये बनाते हैं, जैसे MgO बना, इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होगी। हमने भी डिस्कस किया था कि क्षार, क्लास 6 के चैप्टर में क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, तो इसमें डिटेल में डिस्कस किया था हमने इसके बारे में बेसिक तौर पे। और तो इनकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, और जो नॉन मेटल, जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, उनकी प्रकृति जो होती है वो एसिडिक होती है, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये जो है अगर इनको आप जलाएंगे तो ये मेटल के ऑक्साइड बना लेंगे जनरली, ठीक है। कभी भी आप उसको, इनको जलाइए उसमें, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और ये मेटेलिक ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। सोडियम मेटल जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो है
तुरंत जो है ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट करता है और जल जाता है। अब इसको जो है इसी वजह से इसके इतना रिएक्टिव नेचर के कारण इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल होता है। तो आप देखेंगे को जो कभी जादूगर जादू दिखाते हैं तो वो देखेंगे पानी में आग लगा देते हैं तो वो कुछ नहीं होता, वो सोडियम धातु होती है, उसको पानी में डालते हैं एकदम जलने लगती है। अब लोग बोलते हैं देखिए पानी में आग लगा दी, तो वो कुछ नहीं है, सोडियम धातु की रिएक्टिविटी के कारण ऐसा होता है, साइंस का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, जो नॉन मेटल्स हैं वो जो है जनरली एसिड जो अम्ल है उससे रिएक्शन नहीं करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं अधातु होती हैं आमतौर पर एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन जो मेटल होते हैं वो जल्दी से एसिड से अम्लों से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, और एक छोटा सा साउंड होता है पॉप करके कुछ, और हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो रिलीज होती है। ध्यान रखिएगा मेटल रिएक्ट करते हैं जब एसिड से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप देखेंगे जितने सारे एसिड होते हैं उसमें एच तो लगा ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एच लगा होता है। देख लीजिए मेटल में HCl होगा, H2SO4 होगा, क्योंकि ये एच आयन इसमें होता है ना, एच आयन के कारण ही उसमें एसिडिक गुण होता है, H+ आयन जो होता है। ठीक है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे जो हैं हमारे जो ये एसिड हैं और इनसे मेटल जल्दी से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। और देखिए कॉपर जो है वो डाइल्यूट वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। देख लीजिए कैसे करेगा, Cu+H2SO4 ये बना लेगा Cu SO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, CuSO4 बना लेगा और H2 गैस को रिलीज कर देगा पॉप अप साउंड के साथ। तो ये चीज होती है इसमें कि जो मेटल जो है रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस डेट वंस विद पॉप अप साउंड। ठीक है, और जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड से जो है रिएक्शन करता है H2SO4 से और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका। अब बात करते हैं नॉन मेटल जो अधातुएं होती हैं उनकी क्रिया की हवा में। तो देखिए जो नॉन मेटल होते हैं वो हवा में बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जनरली जल से क्रिया नहीं करते हैं। अभी आप देख लीजिए फास्फोरस जो है एक प्रकार की अधातु है, तो वेरी रिएक्टिव जो है ये है, नॉन मेटल है ये, हवा में इसको छोड़ देंगे ये तुरंत जो है रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से और फायर जो है फायर प्रोड्यूस करेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि भैया फास्फोरस को स्टोर करा कहाँ कैसे किया जाए, क्योंकि ये हवा में रख देंगे तो तुरंत फायर कैच कर लेगा, तो इसको पानी में स्टोर किया जाता है। तो ये वजह है कि जनरल जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली वाटर से रिएक्शन नहीं करते, जल से रिएक्शन नहीं करते, धातु जो है जल से रिएक्शन नहीं करते, ये रिएक्शन करते हैं जनरली हवा में, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। और फास्फोरस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फास्फोरस को स्टोर करके रखा जाता है वाटर में, तो कभी ये कथन में आ जाए फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट रिएक्शन विद एयर, तो आप इसको बिल्कुल सही चुन लेंगे कथन में। ठीक है, तो ये यहीं से ऐसे ही कथनों से सवाल बनते हैं ऐसी चीजों से, तो इनको बड़ा अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, अब देख लीजिए मेटल जो है मशीनरी में बहुत इस्तेमाल होते हैं, एरोप्लेन्स, क्रेन, सैटेलाइट, आपने देखा होगा, यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स, ये सब चीजें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कोई इतनी खास चीज नहीं है, ये तो आप सबको पहले से ही पता होगी, लेकिन वहां थी तो मैंने यहाँ पे इसको एक स्लाइड में लिख लिया। मेटल का जहां जहां उपयोग होता है जनरली आपको पता है, ट्रेन में देख लीजिए, एरोप्लेन में, इंडस्ट्री में, यूटेंसिल बर्तन बनाने में, और बॉयलर जो है उसको जो वाटर बॉयलर्स होते हैं, तो ये सब बनाने में उपयोग होता है जनरली आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लीजिए कुछ नॉन मेटल्स के गुण दिए हुए हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं। अब देख लीजिए नॉन मेटल हमारे लिए किस किस प्रकार से आवश्यक है। वैसे तो आप देख रहे हो ये भैया हर जगह तो मेटल का यूज हो रहा है, बर्तन मेटल, और ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं वो मेटल, हर चीज मेटल मेटल है, हर जगह मेटल ही मेटल है। तो अभी अधातु कहाँ से इस्तेमाल हो रही है हमारे जीवन में, अधातुओं का क्या रोल है? अधातुओं का बहुत बड़ा रोल है। अब ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं आप, इनहेल कर रहे हैं ब्रीथिंग में, आपके फेफड़ों में जा रही है क्या? अधातु तो है भैया, तो अधातुओं का बहुत बड़ा रोल है, वो दिखता नहीं हालांकि हमें, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल है। आप देख लीजिए फर्टिलाइजर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर यूरिया के एक प्रकार का अधातु तो है, और यूरिया का जो मॉलिक्यूल है, तो ये सब चीजें हैं अधातु हैं। और वाटर प्योरिफिकेशन में अधातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन का देखिए इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रकार का धातु है,
और आपका देखिए कि एंटीसेप्टिक जो है, बाउंड अपना जो आपके जख्म हो जाता है उसको हील करने में दवा का उपयोग किया जाता है, वो भी पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है, KMnO4 होता है वो, जो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज ये कि जो नॉन मेटल हैं वो क्रैकर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, पटाखों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देखेंगे पटाखे जनरली क्या होते हैं, उसमें जो उनका जो कंपोजिशन होता है उसमें जो उनके अंदर बारूद बारूद भरा होता है वो नॉन मेटल्स होते हैं प्रयोग करके, मतलब उनका नॉन मेटल्स का कम्बिनेशन होता है, धातुओं का कम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। आप कुछ सवालों को मैं डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटर वाई विच इज इट कैन बी ड्रॉन इन टू वर्ड्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं तन्यता डक्टिलिटी। ठीक है, हमने भी डिस्कस भी किया था इसको, इसको बोलते हैं तन्यता डक्टिलिटी। अगला देखते हैं, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, सोडियम मेटल को स्टोर किया जाता है किसमें स्टोर किया जाता है, केरोसिन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हवा में रख देंगे तुरंत ये जो है रिएक्शन कर लेगा हवा से, और ये इसीलिए केरोसिन में स्टोर किया जाता है इसको, क्योंकि बहुत रिएक्टिव मेटल होता है ये। और जनरली फॉस्फोरस जो होता है वो भी बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन वो मेटल नहीं होता, वो नॉन मेटल अधातु होता है, उसको पानी में स्टोर किया जाता है, हमने अभी देखा उसको। ठीक है, लेकिन सोडियम जो है, सोडियम क्या करता है, पानी में भी रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, और उसमें क्या बोलते हैं आपका, हवा में भी बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इन दोनों जो इसीलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी धातुएं तन्यता दिखाती हैं। देख लीजिए, ऐसा नहीं है सभी धातुएं तन्यता नहीं दिखाती, जहां सभी वभी वाला चीज यहाँ है तो वो जनरली देखेंगे कि वो कथन ये गलत होने की बहुत संभावना रहती है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपवाद तो होते ही हैं। सभी धातुएं तन्यता दिखाती हैं तो बिल्कुल ही गलत है, और आमतौर पर धातुएं तन्यता दिखाती हैं ये सही है। आमतौर पर जनरली जो है आप देखेंगे कि मोस्टली धातुएं तन्यता दिखाती हैं, लेकिन सभी दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है। अभी देख लीजिए, सोडियम है वो बहुत ज्यादा, वो भी एक प्रकार का धातु होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वो जो है कोमल होता है, उसको आप काट सकते हैं जनरली, तो वो यही वजह है उसको जो है सभी धातुएं तन्यता नहीं दिखाती, कुछ विशेष प्रकार की धातुएं तो वही तन्यता दिखाती हैं, आमतौर पर सभी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ धातुएं तन्यता दिखाती हैं कुछ नहीं दिखाती, दिखाती तो बहुत ज्यादा है, सभी भी नहीं दिखाती हैं ऐसा नहीं, सभी दिखाएं या बहुत कम भी नहीं दिखा। देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, दो मेटल आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो ये देख लीजिए, आज थोड़ा मतलब तिक्रमी सवाल था ये, थोड़ा भटकाने के लिए आपको ऐसा दिया गया था कि ऑल मेटल्स डक्टाइल, तो जनरली आप क्या करेंगे कि पहला वाला चूज कर लेंगे, लेकिन इसका सी वाला होगा जो करेक्ट आंसर होगा। तो जनरली ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं भटकाने के लिए स्टूडेंट को, अब आपको पता होते हुए भी इसको आप जो है डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा कथन सही होगा, अब इसमें AOC वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सभी तो नहीं दिखाती, आमतौर पर कुछ धातुएं दिखाती हैं ये भी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करते हैं, और आपने देखा होगा जो पॉप साउंड होता है उसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो हमारा कॉपर है वो रिएक्शन करेगा H2SO4 से और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये बेडिक लिख गया, ये बेसिक लीजिए, स्पेलिंग गलत हो गई, इसका होगा बेसिक, ठीक है सही कर लीजिएगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अधातु ऑक्साइड प्रकृति में सामान्यता क्षारीय होते हैं, अभी इसको आपको इसमें जो है करेक्ट चुनना है। देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, हमने भी डिस्कस भी किया था, प्रकृति में अम्लीय होते हैं ना कि क्षारीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय प्रकृति होती है जनरली, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की होती है, ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया, अब इसमें आपको करेक्ट चुनना है, तो पहला वाला करेक्ट है खाली, तो ए इज करेक्ट, तो ये इसका हो जाएगा कथन करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे डिटेल में दोनों चैप्टर को डिस्कस किया, काफी अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा चैप्टर को डिस्कस किया, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जा करके इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक चीज और, जो अपने पॉजिटिव फीडबैक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड लगते हैं कमेंट या लाइक करने में, तो ये जरूर कर दिया करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे संग बने रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और अगली वीडियो जल्दी आएगी, और गुड बाय।